माहौल पूरा एनडीए के पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष इसी तरह चिल्लाता रहेगा, 22 में भी 400 जीत रहे थे यूपी में, 19 में भी प्रधानमंत्री का सपना बना करके सरकार बना रहे थे, तो सबके सपने चकनाचूर होंगे। आपकी किस तरह से तैयारी है सर, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप अपने? हम लोग 24 घंटे में जब सो जाते हैं तो तैयारी बन, जब जग जाते हैं तो चुनाव की तैयारी में रहते हैं। तो ओपी राजभर को आपने सुना, एसबीएसपी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। एक बार फिर से भवन जी मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात पूरी करिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। देखिए, हमने तृणमूल कांग्रेस को भदोही की सीट देने का फैसला करा है और मैं बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी माननीय ममता जी का बहुत सम्मान करते हैं और उनका मानना है कि माननीय ममता जी हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको, क्योंकि वो लड़ाई में हमेशा विपक्ष की आवाज रही है, तो उनको सहयोग करें। तो इस सहयोग के तहत उनको भदोही की सीट देने का काम करा और आदरणीय ममता जी का उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में एक असर है और उस असर का लाभ समाजवादी पार्टी को भी मिले। भदोही सीट के पीछे कोई खास वजह? वो तो दो बड़े लीडर्स की एक आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, हाँ। कौन सी सीट तय कर पाते हैं, तो बड़े नेतृत्व का मामला, हम तो साधारण कार्यकर्ता है जी। लेकिन जितना मेरा, लेकिन आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या किरण में नंदा को पश्चिम बंगाल से लड़ाने की तो तैयारी नहीं है? नहीं, ये तो माननीय जी और ममता जी बैठ के तय कर लेंगे, अखिलेश जी और ममता जी मिलकर तय कर लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छी